दोस्तों, आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में एक बार फिर भारतीय टीम के बल्लेबाज पूरी तरीके से अंग्रेजी गेंदबाजों पर हावी पड़ते हुए नजर आए। और इसी बीच भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मार्क वुड की गेंद पर एक ऐसा जबरदस्त छक्का जड़ा जिसको देखने के बाद तो मैदान पर मौजूद सभी दर्शकों के साथ साथ कमेंट्री कर रहे वीरेंद्र सहवाग के भी होश उड़ गए और उन्होंने इस छक्के को देखकर बड़ा ही दिलचस्प सा बयान दिया। तो चलिए बताते हैं आपको इस छक्के के साथ साथ उनके इस बयान के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में एक बार फिर भारतीय टीम के खिलाड़ी पूरी तरीके से अंग्रेजों पर दबदबा कायम रखते हुए नजर आए। दोस्तों बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों ने इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया जिसको देखकर तो सभी अंग्रेजों के होश उड़ गए। पहले तो इन दोनों ने शुरुआत में बड़ी सूझबूझ और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे इन दोनों ने गेंद पर अपनी आंखें जमा ली थी, फिर उसके बाद तो इन्होंने अंग्रेजी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। तो बता दें, जहां केएल राहुल बड़ा ही समझदारी और सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं रोहित शर्मा पूरी आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने तो बड़ी घातक बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजी टीम के परखच्चे उड़ा दिए थे। दोस्तों बता दें, इसी बीच रोहित शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के अंदाज से पहले तो सैम करन के एक ओवर में चार बड़े ही जबरदस्त चौके जड़े जिसको देखने के बाद तो सभी खिलाड़ियों के साथ मैदान पर मौजूद सभी दर्शक भी हक्के बक्के रह गए और उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाकर ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि वो आज इस मुकाबले में एक बड़ी पारी खेलने के लिए मैदान पर उतरे हैं। दोस्तों इसके बाद तो रोहित शर्मा ने मार्क वुड की भी जमकर पिटाई लगाई। दोस्तों बता दें, रोहित शर्मा और मार्क वुड के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, जहां रोहित शर्मा को बाउंसर गेंद पर पुल शॉट खेलना पसंद है, वहीं मार्क वुड रोहित शर्मा को हमेशा ही छोटी गेंद डालकर चुनौती देते रहते हैं। वहीं रोहित शर्मा ने उनकी एक बाउंसर गेंद पर अपनी पसंदीदा पुल शॉट लगाकर 6 रन बटोरे और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। दोस्तों वहीं रोहित शर्मा के एक जबरदस्त छक्के को देखने के बाद कमेंट्री कर रहे वीरेंद्र सहवाग ने एक बड़ा ही दिलचस्प सा बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा जब जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं तो उनमें उनकी अपनी छवि नजर आती है, क्योंकि वो जिस आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करते हैं वो भी अपने समय में कुछ इसी तरीके से बल्लेबाजी करते थे। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा फॉर्मेट खेल खेल रहे हैं और उन्हें बस रन बनाने से मतलब होता है, इसलिए वो आज विश्व के महान बल्लेबाजों में से एक है। वो जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो ये ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो इस मुकाबले में शतकीय पारी खेलकर सभी आलोचकों का मुंह बंद कर देंगे, जो उन्हें कहते हैं कि रोहित शर्मा ने विदेशी सरजमीं पर एक भी शतकीय पारी नहीं खेली और वो उम्मीद करते हैं कि वो ऐसी पारी खेलते रहे और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करते रहे। दोस्तों आप सभी रोहित शर्मा के इस जबरदस्त छक्के को देखकर 10 में से कितने अंक देना चाहोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।